है। ये सामने देख सकते हैं, ये जो आपको फ्लैग नजर आ रहा है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया की उससे क्रॉस होके ये इस गेट से हम पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाहौर की तरफ जा रहा है। क्या आपने कभी सरहद देखी है? सरहद के उस पार अपना एक घर होता, कुछ अजनबी सी खुशियां, कुछ अनासा गम होता। थोड़े पराए से अपने, थोड़े अपनों से पराए हो। मैं भी आज ऐसी ही एक सरहद पर खड़ा हूँ, मेरी और उनकी मोहब्बत की सरहद। नमस्कार, मैं हूँ मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग मिथिला भीरा। आज के इस एपिसोड में हम सफ़र करने वाले हैं सरहद के उस पार का, क्योंकि सरहद का नाम आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बाउंड्री आती है जो भारत की सबसे ज़्यादा सीमाओं से लगी हुई है, और वो बाउंड्री है भारत पाक सीमा। पाक सीमा के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की उनकी खान पान है और किस तरह का उनका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सारे सिस्टम है, वो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ पाया था क्योंकि वीज़ा प्रॉब्लम काफ़ी होती थी। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले आपको सरहद के उस पार ले आ जाए और वहाँ के लोगों के बारे में रूबरू कराया जाए। लेकिन उस पार ले जाने से पहले मेरी सभी से एक गुजारिश कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस मिथिला भीरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ये आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि वहाँ के लोगों की कल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का खान पान हम यहाँ आप सबको दिखा सकें। और इसी को लेकर हमने शुरू किया सफ़र पाक का सफ़रनामा। जब हम इस सफ़र पर निकले तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान एम्बेसी का, जिन्होंने हमें वीज़ा देकर कम से कम वहाँ आने का न्योता दिया कि हम वहाँ के लोगों की कल्चर को एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की मोहब्बत की बातें अपने यहाँ के लोगों को बता सकें। और इसके लिए हमने शुरुआत की दिल्ली से। यहाँ से दिल्ली से अब कोई ऐसी ट्रेन या प्लेन नहीं है जो सीधा पाकिस्तान के लिए जाता हो, लेकिन बिना डायरेक्ट ट्रेन और प्लेन के हम भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, क्योंकि हमें उत्सुकता थी उस देश के कल्चर को एक बार एक्सप्लोर करने की। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट ना होना या डायरेक्ट ट्रेन ना होना कोई बड़ा मसला नहीं था, और हम लोगों ने यहाँ से अमृतसर की ट्रेन ले ली, क्योंकि हमारे साथ दो बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्गों के लिए बेहतर था कि वो ट्रेन का सफ़र कर सकें, जबकि आप अपनी गाड़ी से भी अमृतसर तक पहुंच सकते हैं और सीधे वाघा बॉर्डर पहुंच सकते हैं। अमृतसर उतरने के बाद यहाँ से आप कैब के माध्यम से, जो कि एक फ़िक्स प्राइस है 1300 रुपये, बाकायदा गवर्नमेंट ने इसे फिक्स किए हैं, आप वाघा बॉर्डर जा सकते हैं। लो जी, हम पहुँच चुके हैं अमृतसर, और अमृतसर रेलवे स्टेशन से अब हम लोग जो अपना अगला हमारा डेस्टिनेशन है वो वाघा बॉर्डर है, और उस तरफ के लिए हम अपने यहाँ से कैब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम कैब कर रहे हैं। आप चाहें तो बाई ट्रेन अमृतसर आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं, अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं। तो अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो सीधा आप यहाँ से वाघा बॉर्डर पहुँच सकते हैं, लेकिन अमृतसर से भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं वाघा बॉर्डर के, जिनमें से यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस भी है, 35 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस है वो आपको लगभग एक घंटे में, सवा घंटे में वहाँ पहुँचाती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बॉर्डर से काफ़ी पहले आपको उतार देगी, जिसके बाद आपको काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ सकता है, ऐसे में आपके पास सामान होता है तो वो काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे पास भी काफ़ी सामान है इसलिए हमने यहाँ से कैब लेने का फैसला लिया है, और हम यहाँ से अब कैब लेकर बॉर्डर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि रास्ते में किस तरह के नज़ारे हैं, किस तरह का पंजाब है और कैसा ही पाकिस्तान का पंजाब होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले दोनों पंजाब एक हुआ करते थे, अब ये पंजाब बट चुका है, आधा इधर आ चुका है तो आधा उधर जा चुका है, इसे आप पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ के पंजाब और वहाँ के पंजाब का कंपेरिजन भी हम आपको चलते चलते यहाँ के रास्ते और नदियों के माध्यम से कराते हैं।
तो आइए दिखाते हैं हम आपको यहाँ के सफर की शुरुआत अमृतसर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर की तरफ। और रास्ते में आप देखेंगे कि किस तरह से पंजाब का कल्चर है। ये वो पंजाब है कभी हिंदुस्तान के पूरे पंजाब, जिसमें से अब कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया है, कुछ यहाँ रह गया है, लेकिन दोनों तरफ रोड पर वही उसी तरह के खेत खलिहान हैं, उसी तरह की इमारतें हैं, उसी तरह की अंग्रेज़ों के दौर की इमारतें हैं और उसी तरह की मुग़ल काल इमारतें हैं जो उस दौर में बनाई गई थी। ये वही पंजाब है जहाँ पर चाहे इस पार हों या उस पार, एक ही भाषा बोली जाती है और वो है पंजाबी। दोनों तरफ कोई ख़ास फर्क नहीं है, वही नदियाँ हैं, वही हरियाली है, वही आबोहवा है। ये अमृतसर से ये पहुँच चुके हैं जी अटारी बॉर्डर पे, लाहौर 23 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। देखो जी एक किलोमीटर और हमें इमिग्रेशन तक जाना है, फिर उसके बाद हम लोग अपना इमिग्रेशन सारा कराने के बाद पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे जी। ये देखो जी, ये वे टू पैसेंजर्स, ये हमारा पैसेंजर्स यहाँ से जाते हैं। इस गेट को पार करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं इमिग्रेशन की तरफ, क्योंकि इमिग्रेशन में वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले ट्रॉलियाँ लेकर आते हैं वो हैं इस इलाके के बुजुर्ग सरदार, जो हमेशा से पिछले कई सदियों से इस ओर से उस ओर जाने वाले और उस ओर से इस ओर आने वालों को बाकायदा उनका सामान लेकर, मोहब्बत भरा सामान लेकर उनको इमिग्रेशन क्रॉस कराते हैं। क्योंकि इमिग्रेशन अंदर ये अलाउड नहीं था कि हम लोग कैमरा ऑन कर सके, इसलिए बाकी की अब सब बातें आपको बाद में करेंगे। इंडियन इमिग्रेशन से बाहर निकलते ही हमें बस के द्वारा, जो इंडियन बस होती है, पाकिस्तान के सरहद तक पहुंचा दिया जाता है। और ये सरहद है जो अक्सर आप लोगों ने देखी होगी, जहां शाम के समय परेड होती है, वाघा अटारी बॉर्डर, जहां दोनों देशों के सिपाही शाम को सूरज ढलने के टाइम पर ना केवल अपने अपने ध्वज को उतारते हैं बल्कि एक भव्य परेड भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में एंट्री हो चुकी है जी, आप देख सकते हैं ये हम पाकिस्तान के अंदर है इस टाइम। ये देखिए सामने इंडिया और उसके आगे पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है, हम यानी कि इस टाइम पाकिस्तान की सीमा के अंदर हैं। पाकिस्तान इमिग्रेशन से क्लियरेंस मिलने के बाद जब हम बाहर निकले तो सबसे पहले थैंक्सफुल हैं हम अपने बड़े भाई डॉक्टर नादिर खान साहब, जो हमें लेने के लिए आए हुए थे, हम अपने दोस्त खिजर खान, हम अपने दोस्त दानियाल, ये जो हमें तीनों शख्स हमें वहीं पर लेने आए हुए थे। और इन्होंने जब हमारा स्वागत किया, जो हमने सोचा तक नहीं था, सबसे पहले इन्होंने गुलाब की मालाओं से हमें उस पाकिस्तान की धरती पर पहुंचते ही मालाएं पहना दी और हमारे ऊपर पुष्प वर्षा कर ये दिखा दिया कि वहां के लोग भी अमन पसंद लोग हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि इस ओर से कोई उस ओर जाए और उनसे जाकर गले मिल सके। बड़े बड़े पुष्प गुच्छ देकर हमें अपना ना केवल सम्मान जताया बल्कि हमें ये भी दिखा दिया कि वो लोग भी, उनकी आंखें भी आज भी इस ओर से आने वाले मेहमानों के लिए तरसती रहती। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद जो हमारा स्वागत हुआ है उसका हम दिल से तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ के रेंजर्स ने हमें जो प्यार दिया है, खासकर किशन भाई और डॉक्टर नादिर, इन सब ने जो हमें मोहब्बत दी है, तहे दिल से शुक्रिया। ये सामने देख सकते हैं ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है वो इंडिया का, यानी कि इंडिया के उससे क्रॉस होके ये इस गेट से हम पाकिस्तान में एंटर हुए हैं। और ये जो रोड जा रहा है ये लाहौर की तरफ जा रहा है, अब हम चलते हैं जी लाहौर की तरफ। आइए, ये पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद अब हम लाहौर के रोड पर, यानी कि देखिए जो लाइटिंग पोल्स हैं उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लाइटिंग पोल्स पे भी सारी सजावट की गई है। और यहाँ के मतलब कल्चर में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप इंडिया के रोड्स पर हैं या पाकिस्तान के, दोनों ही एक ही आबोहवा है, एक ही सब कुछ यहाँ पे है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बहुत कम ऐसे जो हमारे साथी हैं यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि वीज़ा हर एक के लिए नहीं है। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद
आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया के रोड्स पे घूम रहे हैं या पाकिस्तान के, दोनों तरफ बिल्कुल सेम टू सेम कल्चर, सेम टू सेम वो। ये देखिए, ये जो शाम को परेड होती है उस परेड की एक झांकी यहाँ भी दी हुई है उसी तरह से। और ये इमिग्रेशन गेट से बाहर जाते हुए इसके बाद हम पूरी तरह से लाहौर की तरफ मूव हो रहे हैं। कुछ रोड्स और कुछ बाकी सीन आप देखते जाइए। यहाँ की खूबसूरत गाड़ियाँ वही सेम होंडा और वही सब ब्रांड है, चाहे महरान या मारुति को बोला जाता है, लगभग वही सब कुछ है कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं उसमें हो। ये वाघा स्टेशन का बोर्ड, यानी कि आप कह सकते हो कि भले ही दिलों में दूरियां हैं लेकिन दोनों जगह पे वैसे कुछ नहीं है जो आप सोचते हैं। ये सारा एक यहाँ का देखिए माहौल। लाहौर बॉर्डर से निकलने के बाद आपने रास्ते में देखा कि किस तरह से हम लोग कुछ बैरिकेड्स को पार कर आखिरकार पाकिस्तान लाहौर की तरफ चल देते हैं, मात्र 23 किलोमीटर। लेकिन इस 23 किलोमीटर में भी आबो हवा ठीक हिंदुस्तान के पंजाब जैसी आबो हवा, वैसी ही गाड़ियाँ, वैसे ही रोड पर दौड़ती भागते रिक्शे और गाड़ियाँ नज़र आती हैं, वैसे ही लोग घूमते नज़र आते हैं। कुल मिलाकर हम पहुँच जाते हैं बाटापुर चौक, और बाटा का नाम किसने नहीं सुना। बाटा की कंपनी इंडिया के फरीदाबाद में भी है, तो ये बाटा की कंपनी पाकिस्तान में भी है जो उस समय हिंदुस्तान में हुआ करती थी। बाटापुर चौक से जब हम लाहौर पहुँचे अपने उस प्यारे कदरदान के घर पर, डॉक्टर इमरान शेर कसरानी साहब, और उनके परिवार ने भी हमारा ठीक उसी तरह से इस्तकबाल किया जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। हमें बड़े बड़े पुष्प गुच्छ या कह सकते हैं बुके देकर हमें ना केवल अंदर बुलाया और हमें एक प्यार भरा केक भी कटवाया, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान पर पहुँचे थे इसलिए उस पर लिखा था वेलकम टू पाकिस्तान। ये हमारे वो मित्र हैं डॉक्टर इमरान शेर कसानी साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत देकर ना केवल हमें अपना कर्जदार बना दिया बल्कि हमें ये जता दिया कि मोहब्बत कभी बाउंड्रियों की मोहताज नहीं होती। हम भी कुछ मोहब्बत का पैगाम इस परिवार के लिए लेकर गए थे, डॉक्टर नादिर साहब के लिए लेकर गए थे और उन दोस्तों के लिए लेकर गए थे, और हमने भी मोहब्बत भरी एक प्यार भरी शॉल इनके कंधे पर डाली, तो इन्हें भी लगा कि उस ओर से भी वो मोहब्बत पसंद लोग आए हैं जो दोनों ही मुल्कों के आपस में मोहब्बत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर कसरानी हमारे मेज़बान और बिटिया, भाई भांजा और दोस्तों, आज पहला दिन है यहाँ मैं आए हैं। जब मुझे यहाँ लंच पे बैठने लगे तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मुझे बुलाया और बिठाया। ये इज्जत सबको नहीं मिलती We are thankful to जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी, मैं इसका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है इन रिगार्ड पाकिस्तान, जितनी डिसीज यहाँ आई थी उनके तो नाम भी नहीं जानते। ये नहीं है मतलब आपकी एफर्ट्स हम लोगों के लिए मेरे लिए मायने रखती है, और आज का तजर्बा शायद मेरा लाइफ का आखिरी तजर्बा होगा, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र इजाजत नहीं देती है। मैं आज अपने जीवन में सबसे खुशी दिन देख रहा हूँ कि आप बच्चों ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया, मैं आपका धन्यवाद। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कुल मिलाकर ये था हमारा हिंदुस्तान के दिल्ली से लेकर और पाकिस्तान के लाहौर तक का सफर। आज के सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ये सफ़र हमारा यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है बल्कि इसके बाद भी हमारा सफ़र जारी रहेगा कि किस तरह से लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दो मुल्कों की मोहब्बत को
दो मुल्कों के बीच कॉमन जो एक आपस का जो प्यार है, वो जो हम दिखाना चाह रहे हैं, वो आप सबके सामने आ सके। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलते चलते मैं फिर से यही कहूंगा कि जल्द ही कुछ दिनों के बाद फिर से अगले एपिसोड मिलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसा है लाहौर, क्या है दिल्ली और लाहौर में समानताएँ, ये आने वाले एपिसोड में आपको दिखाई देंगी। तो चलते चलते एक बार फिर से वही आपको हमारा सफ़र ए पाक, पाक के सफ़रनामे में आपका स्वागत है। और चलते चलते फिर से वही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।